बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 9th क्लास मैथ्स के बीके के चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम की एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, फाइंड एंटी लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इससे पहले एक्सरसाइज में हमने लॉगरिथम मालूम किया, अब इस एक्सरसाइज में एंटी लॉगरिथम मालूम करना है। तो नंबर 1 है 1.2508, ठीक है। तो अब लॉगरिथम में हमने करैक्टर और मेंटेसा सीख लिया, अब ये एंटी, इसका एंटी लॉगरिथम मालूम करना है। लॉगरिथम ऑलरेडी मालूम किया गया है, तो इसका करैक्टर क्या है, 1 है, और मेंटेसा क्या है, 0.2508, ठीक है। अब एंटी लॉग मालूम करने के लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे, एंटी लॉगरिथम टेबल में जाके वहां 25 के सामने और 0 के नीचे देखेंगे जो नंबर आ जाए, फिर उसके साथ एक दूसरा कॉलम है, यहाँ पे देख ले, यहाँ 0.25, 0.00, 0.01, 0.02, तो 0.25 इधर कहीं होगा, 0.25, तो 0.25 के बिल्कुल सामने और 0 के नीचे, यहाँ पे 0.25 के सामने और 0 के नीचे, यहाँ पे एंटी लॉगरिथम टेबल में देखेंगे। और फिर 8 है, तो इसके साथ एक और कॉलम है, तो बिल्कुल इसके स्ट्रेट जाए और 9 के नीचे, और 9 के नीचे इधर जो नंबर है, ये इस नंबर के साथ ऐड कर ले, ठीक है। तो मैं मालूम करता हूं एंटी लॉगरिथम में 0.25 के सामने और 0 के नीचे है 1778, और फिर बिल्कुल स्ट्रेट 9 के नीचे, सॉरी 8 के नीचे, 8 के नीचे है 3, ठीक है। तो 3 और 1178 ऐड कर ले, ठीक है, 3 प्लस 1778 के साथ 3 ऐड कर ले, तो 3 और 8 11, 1 के लिए तो 178, ठीक है। तो एंटी लॉग ऑफ 1.2508 इज इक्वल टू 1781, और यहाँ पॉइंट रखना है, ठीक है। तो इसका करेक्टर 1 है, तो नॉर्मली हमारे साथ पॉइंट यहाँ पे होता है, अगर करेक्टर हम 1 बनाना चाहते हैं तो पॉइंट को हम यहाँ पे रखेंगे, तो करेक्ट पॉइंट अगर यहाँ होता है करेक्टर 0 होगा, ठीक है, लेकिन पॉइंट यहाँ है, इसका मतलब है इसका करेक्टर 1 है, तो इस करेक्टर के मुताबिक इस पॉइंट को आप रख लें। तो एंटी लॉग ऑफ 1.2508 इज इक्वल टू 17.81, और दूसरा है 0.8401, तो इसका करेक्टर 0 है, मेंटेसा है 0.8401, तो 0.84 के सामने 0.25 है, 0.25 है, इस तरह जहां भी 0.84 होगा, तो 0.84 के सामने और 0 के बिल्कुल नीचे, यहां पे आप देख ले, तो 0.284 के सामने और 0 के नीचे है 6918, और 1 की इस कॉलम में 1 के नीचे बिल्कुल स्ट्रेट 1 के नीचे आप देख ले, ठीक है, 1 के नीचे, यहाँ पे है 2, 1 के नीचे क्या है, 2 है, तो 6918 और 2 ऐड कर ले, तो 8 प्लस 2 10, 1 के लिए है, तो 1 प्लस 1 2 96920, so anti-log of 0.8401 is equal to 6920, और करेक्टर इसका 0 है, मतलब कि पॉइंट इसी पोजीशन पे, अगर पॉइंट इसी पोजीशन है तो इसका मतलब इसका करेक्टर 0 है, तो anti-log of 0.8401 is equal to 6920। इसी के साथ ये लेक्चर खत्म हो गया। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।